मंडलायुक्त जयंत नालिकर और डीआईजी राजेश डी मोडक ने गुरुवार को जनपद महाराजगंज के फरेंदा तहसील के सभागार में कैंपियरगंज तहसील के रामचौरा ग्राम में प्राथमिक विद्यालय पर निगरानी समितियों के सदस्यों के साथ बैठक कर उनकी हौसला अफजाई की। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने कहा कि समाज में कोरोना का संक्रमण न फैले इसके लिए कम्युनिटी सर्विलांस बहुत आवश्यक है। इसके लिए निगरानी समिति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। निगरानी समिति के सदस्यों को घर घर जाकर लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक भी करना होगा। मंडलायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अचूक औषधि है कि समाज के लोग समाज की निगरानी करें। हमारा दायित्व है कि इस लड़ाई को गंभीरता से लें, क्योंकि एक व्यक्ति से प्रभावित होने से पूरा गाँव प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन कराया जाए, जो क्वारंटाइन का उल्लंघन करे उसे तहसील स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाकर रखा जाए। बैठक में मंडलायुक्त और डीआईजी ने फरेंदा तहसील के मथुरा नगर एवं कैंपियरगंज तहसील के रामचौरा के प्राथमिक विद्यालयों में क्वारंटाइन किए गए लोगों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य आदि के बारे में जानकारी ली तथा उन्होंने सफाई कर्मियों को पीपीई किट भी प्रदान किया। इसके बाद मंडलायुक्त ने पिछले वर्ष पुलवामा में हुए आतंकी घटना में हुए शहीद सीआरपी के जवान पंकज त्रिपाठी के माता पिता एवं उनकी पत्नी को 11-11 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर जिलाधिकारी महाराजगंज डॉक्टर उज्ज्वल कुमार, अपर निदेशक स्वास्थ्य जेएम त्रिपाठी, एसपी महाराजगंज रोहित सिंह सजवान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जी सब जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को पहले अस्पताल से जांच करवाना, उसके बाद मतलब चाहे घर रहे चाहे स्कूल रहे। आने वाले का कैसे हो रहा है? कहाँ पर रख देते हैं खाना? खाली रखा है, दूर से रख देते हैं ना। दिल्ली में क्या कर रहे थे आप? एल्युमिनियम पे काम। कहाँ पर? जाने